चैनल के प्राइस को 19 से कम करके अगर 12 कर दिया जाता है तो क्या उससे आपका बेनिफिट होगा? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके अंदर जो चीजें आपको मालूम चलेगी वो आपको चौंका सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राई के द्वारा नया ऑर्डर जब लेके आ गया 2019 के अंदर, जिसके आने के बाद काफी ज्यादा समस्याएं सभी को उठानी पड़ी, वो कंज्यूमर हो या फिर ब्रॉडकास्टर हो या डीटीएच प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि सभी को अपने अपने तरीके पे बदलाव करना पड़ा और टीवी देखने के लिए बहुत सारी चीजों को बदलना पड़ा। साथ ही साथ आप सभी के जो रेट्स हैं वो बढ़ गया टीवी देखने के 20 से 25% तक। ट्राई इस बात को सोच रहा था कि उनके द्वारा जो नया ऑर्डर लेके आया गया इसके बाद रेट्स कम होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि जितने भी पॉपुलर चैनल्स थे सबके प्राइस को बढ़ा के 19 रुपये कर दिया गया, जो कि ट्राई कभी सोचता नहीं था कि ये डीटीएच प्लेटफॉर्म वाले करेंगे या फिर ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो लोग करेंगे। आज के डेट में ट्राई के द्वारा जब नया ऑर्डर लेके आया गया नेशनल टैरिफ ऑर्डर 2.0, उसके अंदर सबसे पहली बात ये बताई गई कि चैनल के प्राइस को अगर 12 रुपये से ज़्यादा रखा जाता है तो वो चैनल किसी भी बुके का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि बुके के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दिए जा रहे थे टीवी चैनल्स के द्वारा या ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा उस बात को खत्म करने के लिए। अब अगर किसी चैनल का प्राइस 12 रुपये से ज़्यादा है तो बुके का पार्ट नहीं होगा। जब कोई चैनल 12 रुपये से ज़्यादा प्राइस का है, बुके का पार्ट नहीं है, तो उसको इंडिविजुअली सेल करना पड़ेगा और इससे क्या होगा कि कम लोग उसको प्रीफर करेंगे देखना है, क्योंकि एक एक चैनल 12 रुपये के लोग ऐड नहीं करेंगे अपने पास और जो मेन मेन चैनल है वही लोग देखेंगे, तो इससे 100% है कि उनकी संख्या में कमी आएगी लोगों को देखने वाले में और इससे चैनल के जो TRPs हैं उनमें कमी आएगी। तो इस बात से ब्रॉडकास्टर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनको चैनल्स को दिखाने का मौका नहीं मिलेगा और लोग खुद ही इससे परेशान होते हुए और चैनल्स को ऐड नहीं करेंगे। अब बात यह आती है कि अगर 12 रुपए वो प्राइसिंग कर देते हैं तो क्या वो चैनल बुके का पार्ट होगा? उसके बाद भी एक कॉम्प्लिकेटेड रूल ट्राई की तरफ से लेके आया गया है जिसके अंदर बहुत सारी चीजों को बदलाव किया गया है कि ये किस तरीके से आप बुके का पार्ट कर सकते हैं, तो वो चीज भी हमें समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि नॉर्मल इंसान जो टीवी देख रहा है वो बार बार अपने चैनल्स के रेट को बढ़ाना घटाना, साथ ही साथ चैनल को चूज करना, पैक को बदलना, ये नहीं कर पाता है। तो आज के रेट में बहुत से ऐसे लोग हैं, हो सकता है मेरे जानने वाले भी कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो लोग अभी भी पुराने तरीके से देख रहे हैं टीवी को और उससे उनका बिल बढ़ चुका है लेकिन उनको पता नहीं है। काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे, आप भी जानते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या ऐसे कुछ लोग हैं आपको पता है जो कि पुराने डेट में ही अभी भी देख रहे हैं, मतलब पुराने चैनल्स नए रेट में देख रहे हैं लेकिन उनका बिल बढ़ चुका है और उनको मालूम भी नहीं है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इन सब के बाद ब्रॉडकास्टर्स को परेशानी हो गई, 19 रुपये से 12 रुपये कर दिया गया, लेकिन आपको क्या दिक्कत आने वाली है? अब बात यह है कि अगर आपको दिया जाए चैनल चूज करने के लिए 19 रुपये की जगह 12 रुपये और ब्रॉडकास्टर्स ने उसको बुके का पार्ट नहीं बनाया, तो चलिए देखेंगे तो नहीं वो चैनल को, लेकिन जो कुछ चैनल आप लोग देखते हैं 5, 6, 7, 8 या 10 चैनल इंपॉर्टेंट वाले, वो चैनल अगर आप लेते हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में GST लगा दो तो आपका अच्छा खासा बिल बन जाएगा। मतलब कि बुके के अंदर आपको चैनल सस्ते मिलते थे, हाँ ये है कि बड़े बड़े चैनल्स को बुके बना के सस्ता कर दिया गया बहुत ज्यादा, उससे हमें ही परेशानी हुई क्योंकि जो चैनल देखना नहीं चाहते उनके ऊपर भी NCF देना पड़ रहा था। तो अब क्या होगा कि जब एक एक इंडिविजुअल चैनल्स को लेंगे, जो कि ट्राई का मेन मकसद है कि लोग चैनल्स को कम देखें, जितने चैनल वो देखते हैं उतने चैनल्स ही वो अपने पास रखें, और जो बार का रिपोर्ट आया था उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है और 85% लोग 50 चैनल देखते हैं इसके ऊपर सबसे पहले बात चल रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोगों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा चैनल देखने की प्रक्रिया लगी हुई है और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा चैनल अपने पास रखना चाहते हैं भले देखें या ना देखें। तो आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि इससे परेशानी और बढ़ जाए अगर 12 रुपए चैनल हो जाता है और बुके नहीं फॉर्म होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या अगर किसी से भी आप पूछते हैं तो NCF के बारे में बताया जाएगा कि NCF को कम किया जाए, NCF को हटाया जाए, तभी जाके हमें टीवी देखने में मजा आएगा और टीवी देखने का जो रेट है तभी जाके जस्टिफाई होगा। लेकिन अब NCF के बारे में अगर हटाने की बात की जाए तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो तो प्रोवाइड कर देते हैं, उसके चैनल के प्राइस ले लेते हैं, लेकिन DTH प्लेटफॉर्म्स, साथ ही साथ जो केबल ऑपरेटर्स हैं, जो MSO हैं, लोकल केबल ऑपरेटर हैं, उन लोगों को भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो NCF के जो तौर पर पैसा हम पे करते हैं उसके अंदर से वो लोग लेते हैं, तो उसको भी हटाना बहुत मुश्किल काम। तो आने वाले समय के अंदर देखिए कि 12 रुपए होने के बाद हो सकता है कि हमारी समस्याएं और बढ़ जाएं, घटे नहीं, तो ट्राई के द्वारा इसके ऊपर पूर्णतः विचार करना चाहिए और समस्याओं को हल करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि अभी ब्रॉडकास्टर्स ने उनकी बात को माना नहीं है और अपने रेट्स को अभी तक लेके नहीं आए हैं, तो कुछ ना कुछ अलग लेके आएंगे और इससे ट्राई को परेशानी भी हो सकती है और सबसे ज्यादा परेशानी होगी हम जैसे लोगों को। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन सही लगा तो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए चैनल पर पहली बार आए तो, बेल आइकन राइट में दिख रहा होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ भी वीडियो आता है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।